हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर 6 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को, फिर स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को, फिर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री को, फिर इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस को। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट और कस्टमर को, और फिर डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। आज लास्ट के 2 टॉपिक डिस्कस होने हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, दुनिया में कोई भी बिजनेस वैक्यूम में काम नहीं करता है। हर एक बिजनेस एक एनवायरनमेंट में काम करता है। एनवायरनमेंट से हम इफेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट हम पे इफेक्ट डालता है। एनवायरनमेंट 2 प्रकार के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना होता है, अपने एम्प्लॉयज कितने हैं, फाइनेंस की पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का तरीका क्या है, वर्क कल्चर क्या है, ये इंटरनल है, ये हमारे नियंत्रण में। एक्सटर्नल में इमीडिएट पेरीफेरी के बाहर माइक्रो होता है और उसके बियॉन्ड मैक्रो होता है। माइक्रो फिर कुछ हद तक कंट्रोलेबल है, मैक्रो बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलेशन जिसको डेमोग्राफी कहते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट जैसी चीजें आया करती हैं। फॉर्मुलेशन जब किया जाता है स्ट्रैटेजी का, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल की, ताकि हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकें। ये हमने डिस्कस किया था। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सिचुएशन कंसिडरेशन में, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और मार्केट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बिना लिमिटेशन के नहीं है। 2 मेजर लिमिटेशन है इसमें। पहली, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें तो उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये नहीं बताया जाता, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का डायग्राम हमारे सामने था, जिसमें हमने देखा था एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस करते हुए हम अपॉर्चुनिटी थ्रेट का अध्ययन करते हैं और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का करते हैं। 3 इश्यूज थे। स्ट्रेटेजी एक पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप होती है, बैलेंस बनाना पड़ता है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के बीच में, और रिस्क का ध्यान रखना पड़ता है। फिर हमने उसको समझने के लिए एक प्रोसीजरल गो थ्रू देखा था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का। एक्सटर्नल एनालिसिस करते हुए 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट और एनवायरनमेंट। इंटरनल में 2 चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस और डिटरमिनेंट। इससे हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन करके स्ट्रेटेजी में काम करना। कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच से बनती है, जहां मैनेजमेंट अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखती है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखती है और एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी थ्रेट को देखते हुए स्ट्रेटेजी का निर्माण करती है। हमारी जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो हमें कई मायनों में मदद करती है। हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का अध्ययन करके कैसे गो थ्रू करना, इसमें मदद करती है। डायरेक्शन फॉर ग्रोथ देती है, कंटिन्यूस लर्निंग में हेल्प करती है, इमेज बिल्ड करने में मदद करती है, कंपटीशन को मीट आउट करने में मदद करती है और नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती है। और ये सब कुछ हम डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ मिलकर करते हैं। फिर हमने 2 प्रकार के एनवायरनमेंट, माइक्रो और मैक्रो को डिस्कस किया था, जो कि माइक्रो में खासतौर से जो रिलेटेड टू स्मॉल, इमीडिएट पेरीफेरी होते हैं, स्पेसिफिक, डायरेक्ट और रेगुलरली इंपैक्ट करते हैं, उनसे बना होता है, जैसे एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग कस्टमर, फाइनेंस कैसे रेज करते हैं, फर्म के सप्लायर, फर्म कैसे ऑपरेट होती है, डायरेक्ट कंपटीशन किन से, ऐसे फैक्टर आ जाते हैं। मैक्रो में ब्रॉडर आ जाते हैं, सोशो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड सो ऑन। ग्लूक एंड जाज के शब्दों में ये फैक्टर आउटसाइड द फर्म है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस किया था, डेमोग्राफी, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, और उसके बाद हमने एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में पेस्टल एनालिसिस का डिस्कशन किया था, जो पहले पेस्ट 4 शब्दों से बना था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। अब उसमें 2 चीज़ें और जुड़ गई है, EL। E का मतलब है यहाँ पे एनवायरमेंटल और L मतलब लीगल। इन 6 फैक्टर्स को हमने मैक्रो में एनालिसिस करते हुए डिस्कस किया था, जिसकी एक टेबल भी हमने देखी थी, डिफरेंट फैक्टर्स उसमें कैसे काम करते हैं। मैं होप करता हूँ ये सब आप घर पे पढ़ रहे होंगे और अपने हाथ से नोट्स भी बना रहे होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब अपने देश में सैचुरेट हो जाता है, या हमारी इच्छा होती है कि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाके व्यापार करें, या हमें सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाया करता है, या हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटाना चाहते हैं, तो फिर हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस करते हैं, जिसमें हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए लार्ज प्रोडक्शन को किया करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी ग्लोबल बिजनेस की, 3 होती हैं। ये कॉन्ग्लोमेरेट है मल्टीपल यूनिट का, लिंक बाय कॉमन ओनरशिप, मल्टीपल यूनिट कॉमन पूल से रिसोर्सेज को ड्रॉ करते हैं, कॉमन स्ट्रैटेजी से डील होती है ये। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाते हुए, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हुए हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे इवेल्युएट करनी पड़ती है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को, फर्म के ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस को, ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, और साथ में डिस्टिंक्ट तरीके से कैसे हम अपने कंपनी को बता पाए दुनिया में उसके बारे में। कंपनियां ग्लोबल क्यों होती है, इसके कई रीज़न बताए गए थे। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट था नीड टू ग्रो, बढ़ना चाहते हम। दूसरा, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तीसरा था डोमेस्टिक मार्केट्स सैचुरेट हो गए। चौथा था चीपर और रिलायबल सोर्स हमें बाहर मिल रहा है। पांचवा, ओवरसीज प्लांट लगा के हम हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटाते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे। राइज ऑफ सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ को बढ़ावा देता है इंटरनेशनलाइजेशन में, ग्लोबल कंपनियां बनाने में। कोलैप्स होना ट्रेड बैरियर्स का, WTO का गैट समझौते के तहत, और स्ट्रेटेजिक अलायंस का फॉर्म होना जैसे ब्रिक्स, क्वाड एंड सो ऑन। उसके बाद हमने बताया था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तीन लेवल पे देखा जाता है, मल्टीनेशनल, रीजनल और कंट्री। मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट करना, मॉनिटरिंग करना ग्लोबल एनवायरनमेंट को बड़े स्केल पे। रीजनल का मतलब होता है जैसे हम बात करें अपने एरिया की, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, उन क्रिटिकल फैक्टर को देखें। और कंट्री स्पेसिफिक का मतलब पूरे देश को देखेंगे। तो सबसे छोटा होता है यहाँ पे रीजनल, उससे बड़ा होता है कंट्री, और सबसे बड़ा होता है मल्टीनेशनल। ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो होता है ये इनहेरेंट पार्ट है हमारे किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ग्लोबल कंपनी के। उसके बाद हमने देखे थे प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री के बारे में कि दुनिया में हर बिजनेस प्रोडक्ट बेचता है। प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ये टेंजिबल हो सकता है, ये इंटेंजिबल हो सकता है, फिजिकल टर्म्स में हो सकते हैं एंड सो ऑन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट जो है, या तो टेंजिबल इंटेंजिबल होंगे। प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा, उसकी एक क्वांटिटी पे प्राइस डिसाइड किया जाएगा। प्रोडक्ट के कुछ फीचर होंगे जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने में मदद करते हैं। प्रोडक्ट जो है वो हमारे बिजनेस का मुख्य आधार है, पिविटल है, और प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होती है, जितना पैसा हम पे करते हैं उसके तहत हमें सुविधाएं वो दिया करता है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक और ग्राफ दिखा था। ये सेल्स का टाइम के साथ में ग्राफ है जिसकी चार स्टेजेज होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज पे हम एक्सपेंशन और ग्रोथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जबकि मेच्योरिटी पे हम स्टेबिलिटी और डिक्लाइन पे हम लोग कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, हार्वेस्टिंग या रिट्रेंचमेंट की फॉलो करते हैं। ये एक एस शेप कर्व माना जाता है, ये MCQ में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हमने वैल्यू चेन को डिस्कस किया था। वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट माइकल पॉटर ने हमें दिया था। इसमें 5 प्राइमरी एक्टिविटी होती है और 4 सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल से संबंधित, ऑपरेशन प्रोडक्शन से संबंधित, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिनिश गुड से संबंधित, मार्केटिंग एंड सेल्स, कैसे कस्टमर तक अपनी बात को पहुंचाया जाए, और सर्विस मतलब आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। 4 सपोर्टिंग है हमारी, प्रोक्योरमेंट करें हम, मैन पावर का, फाइनेंस का, मशीन का, मटीरियल का, टेक्नोलॉजी नई विकसित करें हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करें हम लोग, और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि लोग हमारे पास लगातार बैठे रहें और काम करें। इसको हमने वैल्यू चेन एनालिसिस में डिस्कस किया था। मैं होप करता हूं आपको ये कल का लेक्चर हमारा याद होगा जिसमें हमने 9 एक्टिविटीज़ को यहां पे डिस्कस किया था। उसके बाद माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल आता है जो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट को समझने का सबसे बढ़िया तरीका और पावरफुल सोर्स है। इसमें 5 फोर्सेस काम किया करती है जिसको चित्र के आधार पर समझा जा सकता है। वो 5 फोर्सेस कौन सी है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। पहला है पोटेंशियल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, जैसे जियो के आने से पूरा टेलीकॉम बदल गया। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जैसे टाटा, अनिल अंबानी और टाटा ने और अनिल अंबानी ने, रिलायंस कम्युनिकेशन ने CDMA में हैंडसेट के लिए क्वालकॉम पे रॉयल्टी घटाने के लिए प्रेशर डाला, बायर्स का कोलाबोरेशन, क्योंकि भारत में ये दोनों लोग ही CDMA हैंडसेट बना यूज करते थे सिटी मोबाइल के लिए। उसके बाद हमने देखा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल और डीजल के सामने इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब्सटीट्यूट है, हो सकता है ये किसी दिन मेन बन जाए पेट्रोल डीजल, या कोई ऑल्टरनेट फ्यूल इसका सब्सटीट्यूट बन जाए। जैसे पहले जमाने में कॉटन के गद्दे तकिए बना करते थे, फिर कॉयर मैट्रेसेस आए, आजकल सिंथेटिक आ गए। फोर्थ है सप्लायर, सप्लायर का मतलब जो माल को बना के दिया करते हैं, जैसे ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये क्या करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के गैप को बनाते हुए पर बैरल रेट जो है अपनी तरफ से फिक्स कर देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। 5वां फैक्टर है राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, पेप्सी और कोक हमने एग्जांपल से आपको समझाया था। इन 5 का कलेक्टिवली अध्ययन करने के बाद हम देखते हैं हमारा कंपटीशन किस प्रकार का है, फियर्सफुल है, कट थ्रोट है, स्ट्रांग है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लिया करते हैं। तो ये हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस कर लिया था, रादर कल डिस्कस कर लिया था। मैं होप करता हूँ यहाँ तक सब आपको समझ में आ गया होगा, और कोई तरीके की दिक्कत है तो हमें बताएं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट अट्रैक्टिव होता है, अनअट्रैक्टिव होता है, ये एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, अट्रैक्टिवनेस इज रिलेटिव। जो आज अनअट्रैक्टिव लग रहा है कल अट्रैक्टिव लग सकता है फाइनेंशियली हमें या मार्केट के तौर पे, तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। तो मैं होप करता हूँ आपका रिवीजन भी हो गया होगा और आपको चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। तो अब मुझे बताएं एनी प्रॉब्लम अप टू दिस, वरना चलते हैं आज इससे आगे और फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। और फिर कल हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बैठकर हम एमसीक्यू, इसके साथ साथ आपकी समरी बुक, केस सिनारियो और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सभी को कर दें ताकि दो चैप्टर आपके फिनिश हो जाएं। और फिर नेक्स्ट डे से हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर देंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और अंत में चैप्टर नंबर 5। तो कुल मिला के 25 से 30 क्लासों में हमारा ये पूरा कोर्स होने जा रहा है। हम रोज क्लासेस को लाइव लिया करते हैं और इन्हीं को हम अपलोड करके आपको बैकअप के तौर पर रिकॉर्डेड बोर्ड में उपलब्ध कराते हैं। बहुत जल्दी हम शाम की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं लाइव 6:30 के आसपास इस क्लासेस को, तो नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें। बाकी आप हमारे पास में हमेशा ही कांटेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है। आपको हमने अपना नंबर बता रखा है व्हाट्सएप का, जिस पर हमारी टीम आपसे बात करती रहेगी। और मैं बहुत जल्दी आपका एक जूम सेशन भी प्लान करने वाला हूं। अब 2 चैप्टर होने वाले हैं तो मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है, ताकि उसके अनुसार हम आगे की बाकी बातें कर सकें। और अब तक आपके पास नोट्स भी पहुँच रहे होंगे, हमारे जो हमने प्रिंटेड बुक्स आप तक भेजी हैं। अपने अपने बुक्स की उपलब्धता होने पर हमें कम से कम व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414127751 पे रिसीव्ड का एक मैसेज जरूर कर देना, ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि हमने जो बुक्स रवाना की हैं बच्चों को वो पहुंचने लग गई हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो आज देखते हैं इस पोर्शन को। एन असेसमेंट दैट इंडस्ट्री इज फंडामेंटली अट्रैक्टिव typically suggests that current industry participant employ the strategy calculated will strengthen their position। कोई भी इंडस्ट्री मुझे अट्रैक्टिव कब लग सकती है? जब वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, जब वो मुझे कमा के दे रही हो, वरना वो मुझे अनअट्रैक्टिव ही लगेगी। ठीक है ना? आपने देखा होगा हम वो बिजनेस करना पसंद करते हैं, अगर हम कई सारे बिजनेस कर रहे हैं तो हम वो बिजनेस करना पसंद करेंगे जिसमें लगातार हमें नफा होता रहे, फायदा होता रहे। घाटे के लिए हम कोई बिजनेस लगातार करना नहीं चाहेंगे। किसी में फायदा हो रहा है, किसी में घाटा हो रहा है, घाटा लगातार चला जा रहा है, तो हम घाटे वाले बिजनेस को बंद कर देंगे। पोर्टफोलियो एनालिसिस भी यही कहता है कि आपकी चीज अट्रैक्टिव फाइनेंशियली ना हो तो उसे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज रिलेटिव टर्म्स में की जाती है। इफ द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज जज्ड रिलेटिवली अनअट्रैक्टिव द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट में चूज टू इन्वेस्ट कॉशियसली। तो फिर पैसा डालने से पहले सोचेगा। द वे टू प्रोटेक्ट देयर लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी परहैप्स एक्वायर द स्मार्टर फर्म। तो फिर हम क्या करेंगे, नया सा अपने से कुछ करने की बजाय हम मार्केट में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल फर्म्स हैं, जो प्रॉफिट कमा रही हैं, उनको अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। इफ़ द प्राइसेज आर राइट, अगर प्राइसेज ठीक है ओवर द लॉन्गर टर्म, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में कंसिडर डाइवर्सिफिकेशन इन टू मोर अट्रैक्टिव बिजनेस एंड वीक कंपनीज इन द अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में कंसिडर मर्जिंग विद द राइवल टू स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन। जैसे आपने वोडाफोन और आइडिया को करते देखा, उन्होंने क्या किया, वीक कंपनियां थी वो, तो उन्होंने मर्ज करना पसंद किया, और जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां थी उन्होंने डाइवर्सिफाई करना पसंद किया। तो ये लगातार चलता रहता है मार्केट में। हमारी फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, फायदे की स्थिति लगातार बदलती रहती है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आइए इसी से संबंधित एक कंसेप्ट को और पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व को कई लोग सिमिलर जो है नेचर में लर्निंग कर्व के नाम से भी जानते हैं। मतलब एफिशिएंसी इंक्रीजेज एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय द वर्कर थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। कोई भी व्यक्ति जब लगातार एक जैसा काम करता रहता है, करत करत अभ्यास, आदमी परफेक्ट बन ही जाता है। शुरू में हो सकता है वो परफेक्ट नहीं हो, लेकिन करत करत अभ्यास क्या हो जाता है, परफेक्ट बन जाता है। तो एक्सपीरियंस कर्व का बड़ा फायदा होता है। अब मैं अपनी बात करूं, मुझे याद आता है जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने एमसीए के जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो मेरी पहली क्लास थी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों की एमसीए के। तो बड़ा कोट टाई लगा के ऐसे सर्दी के माहौल में गया था, और घर से करीब करीब 2-2.5 घंटे का लेक्चर तैयार करके गया था। और मैंने कहा आज तो बस फोड़ ही डालेंगे, लेकिन आप विश्वास करें 15 मिनट में, उस ज़माने में तो ऐसे डिजिटल होते ही नहीं थे काम, है ना, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट 92-93 की। तो चौक से बोर्ड पे लिखा जाता था, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक वाइट चौक से हम लिखते थे। 15 मिनट में तो जो मैं पढ़ के आया था मामला ख़त्म हो गया। और उस भरी सर्दी में पसीना टपक रहा था मेरे, है ना, मेरे अपने जूनियर सामने बैठे थे जिनसे मैं रोज़ बात करता था। मतलब मैं सीनियर होकर डिग्री ले ली थी वो, और मेरे जूनियर थे। तो मुझे 15 मिनट ही लगे, वो जितना पढ़ के आया था काम खत्म हो गया, गला सूखने लगा। और आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें, 33 साल निकल गया, 34वां शुरू हो चुका है, तो आज हम धारा प्रवाह लेवल पे कहीं भी बोल सकते हैं, किसी भी मंच पे बोल सकते हैं। और आपको पता ही है बत्रा सर केवल एजुकेटर नहीं है, सोशल सर्कल में भी उतना ही एक्टिव है, पॉलिटिकल सर्कल में भी उतना ही एक्टिव है। मैंने बताया था आपको बत्रा सर अपने जोधपुर शहर में 50,000 सिख समाज के, सिंधी समाज के, पंजाबी समाज के परिवारों के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पॉलिटिकली भी बड़ी एक्टिव है। कोई भी सरकार बने हमें उनकी आवश्यकता तो होती ही है, उनको भी हमारी उतनी ही आवश्यकता होती है। और इस समय तो जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, चाहे मेरे एरिया की कॉरपोरेटर हो, पार्षद हो, उसको चुना के हम ही लाया करते हैं। हमारे एरिया के जो विधायक होते हैं इस बार तो वो बहुत अच्छी बात है, वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हुए हैं और मेरे स्कूल मेट भी रहे हुए हैं, मिस्टर अतुल भंसाली, वो इस समय आप देख रहे हैं एमएलए बन के आ चुके हैं। हम मेयर अपनी खुद की जिता के लाया करते हैं, और इवन सांसद महोदय जो हमारे जोधपुर से आते हैं, जो केंद्र में जल शक्ति मंत्री भी हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, परम मित्र हैं और यूनिवर्सिटी के दिनों से हमारी पहचान है। और साथ साथ वो हमारे भी छात्र नेता रहे हुए हैं। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था तो वो हमारे पूरे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इतना पुराना नाता रहा हुआ है हमारे उन सब लोगों से, और डायरेक्ट जान पहचान है। आज भी कभी हम फ़ोन करते हैं तो पहले ही बार में उनका फ़ोन पिक होता है, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी को फ़ोन करूँ। तो ये क्या दर्शाता है कि आज हमें कोई भी काम करने के लिए किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये डे वन से ऐसी स्थिति थी? मुझे भी 33-35 साल एजुकेशन सेक्टर में, सोशल लाइफ में, धार्मिक संगठनों में, पार्टी के लिए काम करते हुए इतना समय हो गया है कि अब बत्रा सर की वो स्थिति है कि अगर सरकार बन रही है तो सरकार में भी कुछ विधायक जिनके साथ मैं रोज उठता बैठता हूँ, वो आज जो है हमारे राजस्थान की विधानसभा में, मतलब कम से कम 5 नाम तो मैं गिना सकता हूं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। तो आप सोचें 200 लोगों की हमारी विधानसभा में 5 जो एमएलए हैं जिनके साथ आपके बत्रा सर का उठना बैठना है। क्या ये डे वन से हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुझे भी एक एक्सपीरियंस कर्व का, लर्निंग कर्व का एक्सपीरियंस लेना पड़ा। तो आप समझे, एक्सपीरियंस और लर्निंग कर्व बिजनेस में भी उतना ही हेल्पफुल है। बजाज कंपनी स्कूटर के क्षेत्र में नंबर 1 क्यों बनी? क्योंकि स्कूटर बनाने का गहरा अनुभव उन्हें। इसी तरीके से हुंडई कंपनी कारों में अग्रणी क्यों बनी? कारों को बनाने का इतना अनुभव। टाटा कंपनी ऑटोमोबाइल में नंबर 1 क्यों बनी भारत में? क्योंकि लंबा चौड़ा अनुभव। तो और आज की तारीख में बात करें तो सबसे दुनिया के लोकप्रिय नेता मोदी जी ऐसे कैसे बने? उनको कोई प्रीवियस अनुभव तो नहीं था। 2002 में अचानक उनको संगठन से ला के अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गुजरात का। कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन करत करत अभ्यास 12-13 साल उन्होंने जो है वो संभाला गुजरात को, और अब संभाल रहे हैं वो देश को। तो जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है उसका फायदा आज देश को मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद में आप ज्यादा लाभदायक हो जाया करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कहां मैं कॉस्ट को बचा सकता हूं, कहां प्रॉब्लम होने को बचा सकता हूं। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन करती है, क्योंकि आप वो तरीके खोज लेते हो कि मैं पैसा कैसे बचा सकता हूं। Firm accumulate experience in terms of cumulative volume of production, ठीक है, and we learn as we grow। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे हम सीखते जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जब आप काम कर रहे होते तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी, आप सीखोगे, है ना। मेरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए इस शब्द का ये एब्रीवेशन है। मेरे लिए इसका मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब मैंने ये काम पहली बार किया और मैं इससे कुछ सीखा। ठीक है, मैं हमेशा कहा करता हूं, दूध के फटने से वही लोग परेशान हुआ करते हैं जिनको उससे पनीर या मावा बनाना नहीं आया करता। अरे दूध फट गया, नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ, आज मजा आ गया, आज घर पे बैठ बना हुआ मावा खाएंगे, आज घर पे बनी हुई पनीर खाएंगे। आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े मिठाई की दुकान वाले हैं, रोज तो दूध फाड़ते हैं चला के। तो आपको क्या चिंता होने लगी है? आप अगर आपके घर पे भी दूध फट गया है तो कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है आज आप दूध की बजाय इससे पनीर या मावे का सेवन करें। इसलिए हर चीज को एक अवसर के तौर पे लेना चाहिए, और बत्रा सर ने तो अपनी जिंदगी में यही सीखा है। ठीक है ना, अपने मन की हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। मेरी दादी जी कहा करती थी, जो होता है वो बढ़िया के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। अगर आपने जैसा सोचा, प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिकली चले, और अगर आपकी चीज हो गई बहुत बढ़िया बात, नहीं हुई तो इससे जो एक्सपीरियंस मिला कि ये करने से सफलता नहीं मिलती, अगली बार इसको दोहराएंगे और कोशिश करेंगे कि ये गलतियां हमसे ना हो, नहीं दोहराएंगे। पर बात आ रही समझ में? तो ये बेनिफिट है हमारा एक्सपीरियंस कर्व का। लार्जर फर्म जो इंडस्ट्री में हुआ करती हैं वो अपनी कॉस्ट को लोअर इसीलिए रह पाती हैं स्मॉलर कंपनी के मुकाबले क्योंकि उनके पास होता है लर्निंग इफेक्ट का एक्सपीरियंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करने का तरीका, प्रोडक्ट की रीडिज़ाइन और बाकी सब चीज़ें। एक्सपीरियंस कर्व के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो हमारा एक्सपीरियंस भी ग्रो करता है। अब जैसे बत्रा सर कहते हैं, अब 34वां साल शुरू हो गया बत्रा सर के एक्सपीरियंस का, 68 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस के साथ है। अब मुझे बताओ ये चीज जो बत्रा सर के पास है इसको कोई मुझसे छीन सकता है क्या, या कोई मेरे बराबर इमीडिएटली आ सकता है क्या कि कल को कोई किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, या जैसे कोई पहले एफएम का टीचर था और उसने कहा हो ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया एफएम एसएम, अब एसएम भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आप खुद बताओ जिसने एसएम कभी नहीं पढ़ाया और जिसने एसएम लगातार पढ़ाया है दोनों के पढ़ाई के तरीके में फर्क होगा कि नहीं होगा। एक नया नया एमबीबीएस डॉक्टर बन के अभी आया है और एक दशकों से मेडिकल सेवाएं दे रहा है, क्या दोनों डॉक्टर बराबर हो जाएंगे क्या? एक नया नया जो एफएम पढ़ के एसएम पढ़ाना शुरू हुआ है, नया एमबीबीएस डॉक्टर है, क्या वो एक पुराने सीनियर डॉक्टर के बराबर सुविधाएं दे पाएगा आपको? क्या उसे पता है इस पेपर में किस तरीके से चीजें आती है? उसके लिए तो केवल पैसा कमाने का जरिया हो सकता है कि चूंकि मेरा एफएम का कोर्स बिकता है तो बच्चा जो है वो भ्रम में आके या मेरी मार्केटिंग स्किल के तहत एसएम भी ले लेगा मुझसे, है ना, और हो सकता है कुछ बच्चे ले भी लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या उसका फायदा स्टूडेंट को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएम में जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो लर्निंग कर्व का एडवांटेज है, जो केस सिनेरियो को डील करने का तरीका है, पेपर सेटर एग्जामिनर की तरह बताने का तरीका है, वो तो कोई एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। वो आपको कोई एफएम का टीचर जो केवल एफएम पढ़ाता था कभी नहीं बता पाएगा। बात आ रही है समझ में? इसलिए बत्रा सर हमारे हमेशा लाइव किचन एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं, जो जिंदगी में घटित होते हैं उनसे चीजें तुरंत समझ में आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इफ यू आर not taking classes from here then you are missing so many things, क्योंकि वो चीजें आपको कोई और शायद ही दे पाएगा, वो लर्निंग कर्व और एक्सपीरियंस कर्व से ही आया करती हैं। एक्सपीरियंस जो होता है वो एक एंट्री बैरियर हो जाता है कि इस इंडस्ट्री में कोई आता नहीं है, कभी इतने एक्सपीरियंस के सामने क्या जाके हम करेंगे, टिक नहीं पाएंगे, इतनी कम कॉस्ट पे वो ऑफर कर रहे हैं, हम टिक नहीं पाएंगे। अच्छा, लार्ज और सक्सेसफुल ऑपरेशन जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस कर्व से आता है। जो सफलतम कंपनियों को आप देखेंगे भी ना तो उनकी सफलता के पीछे उनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बोला करता है। तो ये कुछ फीचर्स है इसके। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है मेरी कॉस्ट में कमी होती चली जा रही, मतलब मेरा प्रोडक्शन बढ़ के इतना हो गया और मेरी कॉस्ट घट के इतनी होगी। पहले इतनी थी, आप देखो पहले इतनी थी, पहले मेरा प्रोडक्शन था P1 तो मेरी कॉस्ट थी C1, ज़्यादा थी। फिर मेरा प्रोडक्शन बढ़ के हो गया P2, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरी कॉस्ट घट के हो गई C2। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, प्रोडक्शन जो P1 है नहीं P2 इज ग्रेटर देन P1, प्रोडक्शन जो है वो P2 इज ग्रेटर देन P1, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है C1 दैट इज ग्रेटर देन C2। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम होती चली जाती है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमने बात कर ली अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस की और साथ में बात कर ली एक्सपीरियंस कर्व की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू क्रिएशन। अब मुझे बताओ वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है कस्टमर के मन में आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके एक ऐसी बात घर बैठाओ कि उनको लगे कि इस प्राइस में ये चीज मिल रही है शायद ही हमें कोई दे पाएगा, हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, जो हम पैसा दे रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा सुविधाएं, उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे फीचर्स हमें इसमें मिल रहे हैं। अब जैसे आपको पता होगा पार्ले जी, है ना, किसी ज़माने में बड़ा भी दिया करता था पैकेट हमें, फिर मार्केट में कंपटीशन हुआ तो ₹1 के भी वो लेके आए, लेकिन क्या उसने रैपर में कोई कमी की, सेम टाइप का रैपर उसमें भी दिया, सेम क्वालिटी उसमें भी दी, बिस्किट की मात्रा कम कर दी, लोगों को ₹1 में भी 4 बिस्किट मिलते थे, सुबह के चाय के साथ में उसको खा लेते थे तो उनका दिन बन जाता था। बताओ अब ये क्या कहलाएगा? वैल्यू फॉर मनी कहलाएगा ना अपने को, कि सुबह गए ₹1 के 4 बिस्किट ले लिए अपन ने, चाय ले ली अपन ने ₹10 की स्टेशन पे और 4 बिस्किट लगा के सुबह का नाश्ता कर दिया अपन ने, इससे सस्ता नाश्ता क्या बनेगा? और हम घर पे भी अपने आदि रहे हुए सुबह चाय बिस्किट के साथ नाश्ता करने के। तो बताओ पार्ले कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग में इस तरीके का परिवर्तन करके लोगों को क्या दिया है? वैल्यू फॉर मनी। और इससे एक नया ग्राहक वर्ग भी तैयार कर दिया जो ट्रैवल करता था, सुबह सुबह अपने घर पे नहीं होता था, उनको भी नाश्ते के लिए पार्ले जी की जरूरत है तो हमने छोटे पैकेट्स में इनको निकाल दिया। इसी तरीके से मैं बात करूं, हमारी क्लासेस आपको अभी तक 2500 रुपीज़ में मिल रही हैं, पर बहुत जल्दी हम 1000 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। शायद आज अभी थोड़ी देर में मुझे टीम ये खुशखबरी दे देगी, तो आप हमारे स्टेटस पे भी देख लेंगे। हम 1000 स्टूडेंट को 2500 रुपीज़ पे ये क्लासेस जो है वो दे चुके हैं, जो भारत भर में बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। और हम फिर इसकी प्राइसेस को अपने नॉर्मल प्राइस 5000 पे ले जाएंगे। लेकिन अभी जो प्राइसेस पे आपको चीज़ मिल रही है, क्या आपको हमारे लेटेस्ट लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप उनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मे 24 तक भी देख सकते हैं, प्रिंटेड कलर बुक आपके घर तक आ रही है। बहुत जल्दी आपको जो है मोटिवेशनल और बाकी की जूम क्लासेस मिलेंगी। हम लाइव वर्चुअल टेस्ट आपका शुरू करने जा रहे हैं यूनिट वाइज, और इसके साथ साथ एग्जाम के दिनों में एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैराथन सेशन भी आएंगे। अब इतने पैसे में इतनी सारी चीज़ें कौन देता है बताओ? क्या कहलाएगा ये? वैल्यू फॉर मनी कहलाएगा, वैल्यू क्रिएशन कहलाएगा। तो फिर कोई बंदा छोड़ के जाता ही नहीं, उसको लगता है इतने पैसों में इतनी सारी चीजें कोई और क्या देगा, और वो भी एक्सपीरियंस के साथ में। तो फिर यहीं से लेना ठीक रहेगा, और इसीलिए हम 1000 का आंकड़ा बस छूने ही वाले हैं। कभी भी ये खुशखबरी हमारे पास में आ सकती है, टीम मुझे बता देगी तो इसी क्लास में अनाउंस कर देंगे, वरना आप हमारे स्टेटस को रोज देखा ही करते हैं। तो हमारे स्टेटस को चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, उसे देख पाएंगे कि हमने 1000 के आंकड़े को छू लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन वॉज इंट्रोड्यूस primarily for providing products and services to the customer with more worth। मतलब वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट सीधा सीधा जुड़ा हुआ है कस्टमर को ज़्यादा वर्थ देने से। वैल्यू इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट फीचर्स, कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, क्वालिटी उसकी कैसी है, उपलब्धता कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कब तक चलेगा वो, परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, और कस्टमर उसके लिए कितना पे करना चाहते हैं। मतलब जो पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा की सुविधाएं अगर हम उन्हें दे दें तो इसे अपन कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब जो जितना पैसा हमने चार्ज किया उससे ज़्यादा हमने उनको सुविधाएं दे दी, है ना। जैसे कई बार बच्चे कहा करते हैं हमारी क्लासेस में, सर एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, लॉट्स ऑफ लव, 1000 टाइम 10000 टाइम लव। ये उनके मन से जो उद्गार निकल रहे हैं बेटा, उनका कारण यही है कि उनको लगता है इतना एक्सपीरियंस और इतनी कम कॉस्ट में हमें उपलब्ध हो रहा है, कलरफुल नोट्स मिल रहे हैं जिनको पढ़ के हमें अच्छा लगता है, फिर हाईलाइट किए हुए डिफरेंट कलर्स में किया गया है उनको, एक ही बुक में सब कुछ दे रखा है, अलग अलग बुकों को संभालने की हमारे को जरूरत नहीं है। एक ही बुक में बुक खत्म होते ही आपको समरी चार्ट दे रखे हैं, उसके पीछे MCQ दे रखे हैं, उसके पीछे केस सिनारियो, उसके पीछे डिस्क्रिप्शन है, और खूब सारे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें और करवाई जाएंगी आने वाले टाइम में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके मन से ऐसे उद्गार निकलते हैं, इस पैसे में इससे ज़्यादा और क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं। आइए इसको एक छोटे से डायग्राम से भी समझते हैं वैल्यू क्रिएशन के। फर्म की कॉस्ट क्या है, ठीक है। सपोज करो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पेन बनाते हैं। सपोज करो हम एक पेन बनाते हैं, इसकी बनाने की कॉस्ट है हमारी 1000 रुपीज़। 1000 रुपये में ये पेन बनता है, ठीक है। 1000 रुपये में ये पेन बनता है, ये कॉस्ट है मेरी, और मैं इसे बेच रहा हूं 1500 रुपये में, ठीक है। तो फर्म का मार्जिन कितना हो गया? 500 रुपये। 500 रुपये का मेरा मार्जिन है, ठीक है। अब ये पेन जो मैं 1500 रुपये में दे रहा हूं, लोग इसके लिए मुझे 2000 रुपये भी देने के लिए तैयार है। मतलब मिल नहीं रहा है, वो कहते हैं 1500 नहीं 2000 में भी कोई दे देगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो सरप्लस कितना हो गया? यहाँ पे सरप्लस हो गया 500 रुपये का। मतलब 500 रुपये लोग ज़्यादा भी देने के लिए तैयार है अगर उसकी उपलब्धता हो। 1500 की जगह लोग 2000 रुपये में भी खरीदना चाहते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल बैंड कितना हो गया हमारा? 1000 रुपये का बैंड हो गया हमारा। मतलब 1000 रुपये का मार्जिन पे अपन माल को निकाल सकते हैं। 500 से 1000 के बीच में वेरी कर सकता है। बात आई क्या सबको समझ में? बात आई क्या सबको समझ में कि मेरे इस पेन का प्राइस 1000 रुपये, मैं इसको मार्केट में 1500 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा मार्जिन 500 रुपये का है। लेकिन लोग इस 1500 के पेन को 2000 रुपये तक भी खरीदने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं पहले हमको दे दो। तो हम 500 रुपये का सरप्लस इसके ऊपर मान के चलते हैं कि 1500 की जगह 2000 में हम बेचें। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबल प्राइसिंग बैंड 1000 रुपये का बन गया, जो कि 2000 माइनस 1000 से बन रहा है। बात आई क्या सबको समझ में? क्लियर है कि नहीं है? बताओ, बताइए, बताइए, बताइए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ रही है? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। सीन नन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम क्या कह सकते हैं वैल्यू क्रिएशन के बारे में? वी कैन से दैट द वैल्यू क्रिएशन इज एन एक्टिविटी और परफॉर्मेंस बाय द फर्म टू क्रिएट वैल्यू दैट इंक्रीजेज द वर्थ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस और इवन द होल बिजनेस। तो क्या करती है वैल्यू क्रिएशन? जो है अपने आप में एक एक्टिविटी है या एक परफॉर्मेंस है जो कि कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करती है लोगों की नज़रों में। बात यही है सबको समझ में। तो अल्टीमेटली दिस कॉन्सेप्ट गिव बिजनेस ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम दूसरों से आगे हैं इंडस्ट्री में और हमें अबव एवरेज रिटर्न मिलेंगे। इससे हमें अबव एवरेज रिटर्न मिलेंगे। अब जो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल रही है उससे आपको मिलेगी सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। जिसके पास मार्केट में दूसरों से वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उससे आपको मिलेगी सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। और ये प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स के ऊपर। कौन से तीन फैक्टर? वैल्यू कस्टमर प्लेसेस ऑन द कंपनी प्रोडक्ट। पहला, क्या वैल्यू कस्टमर लगा रहा है आपकी? ठीक है, क्या वैल्यू लगा रहा है आपकी? वो 2000 रुपए। क्या प्राइस है? 1500 रुपए। क्या कॉस्ट है? 500 रुपए या 1000 रुपये। मानो 1000 की मेरी कॉस्ट है, 1500 रुपये की मेरी प्राइस है और 2000 रुपये की मान लोग वैल्यू मान रहे हैं उसकी। मतलब 1000 में मुझे घर में पड़ रही है, 1500 में बेच रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ये चीज़ 1500 नहीं 2000 में भी खरीदने जैसी है। तो लोगों के मन में मेरी प्राइस से ज़्यादा वैल्यू है कि जिस प्राइस में मैं दे रहा हूँ लोगों को लगता है यार इससे तो ज़्यादा क्या मिल सकता है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। मार्केट में कई जगह आप जाया करते हैं ना, घूमने जाया करते हैं अपन, और कहीं अपने को खाने पीने को कोई बढ़िया सा स्टॉल या सड़क के किनारे कुछ मिल जाया करता है मॉर्निंग आवर में नाश्ते के लिए, है ना। दिल्ली में चले जाओ या कहीं किसी शहर में चले जाओ, सुबह नाश्ते के लिए कई तरीके की चीज़ें मिल जाती है ना। छोले भटूरे मिल जाते हैं, छोले कुलचे मिल जाते हैं या कोई और तरीके की चीज़ मिल जाती है और वो प्राइस ले रहा होता है 80 रुपये 100 रुपये। खा के आप हाथ चाट लेते हो तो आप क्या कहते हो, अरे यार ये अगर 150-200 रुपये में मिल रहा होता ना तो भी मैं लेना पसंद करता। मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसने जो प्राइस आपसे ली वो कम थी, उसकी कॉस्ट उससे भी कम है, लेकिन आप उसको ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हो क्योंकि उसने जो फीचर आपको दिए, उसने जो एट्रीब्यूट आपको दिए, उसने जो खुशी आपको दी, उसने जो एक्सपीरियंस आपको दिया, उससे आपको लगता है कि इसकी वैल्यू जो ऑफर की जा रही है उससे ज़्यादा है। और ऐसा ही हाल आपको हमारी क्लासेस का भी मिलेगा। जितना आपने पे किया उससे ज़्यादा हम अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश हर बार हर एग्जाम में करने की कोशिश करते हैं। और अभी आप देखना जनवरी में जब रिजल्ट आ ही जाएंगे आपके सीए इंटरमीडिएट के, देखना कितने सारे बच्चे हमारे ओल्ड कोर्स में ईएसएसएम का सब्जेक्ट बहुत बम्पर नंबरों से पास करेंगे। बाकायदे उन स्टूडेंट के साथ में एक छोटा सा हम लोग जो है वीडियो भी करेंगे लाइव उनके साथ में जूम पे जुड़ के, और आपको भी बुलाएंगे उसमें। द वैल्यू कस्टमर प्लेसेस ऑन द प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट द यूटिलिटी। जो कस्टमर वैल्यू प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा है वो उसकी यूटिलिटी को बताता है कि प्रोडक्ट से हमारे को कितना हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन मिला है अगर हमने उसका उपयोग किया है। तो यूटिलिटी जो होता है वो कस्टमर को मिला करता है प्रोडक्ट से। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है या एट्रीब्यूट है, ये अपने आप में एक फंक्शन या एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट का जो उसकी परफॉर्मेंस, डिज़ाइन या पॉइंट ऑफ सेल या आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट से हमें मिला करती है। मतलब जैसे बत्रा सर का साथ केवल एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी है। एग्जाम तक तो हम साथ हैं लेकिन एग्जाम के बाद भी बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं गाइडेंस के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में गाइडेंस भी बड़ी ज़रूरी होती है, मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब तक आप चार्टर्ड नहीं बन जाते तब तक भी मिलता है और इवन चार्टर्ड के बाद भी बत्रा सर का गाइडेंस तो आपको उपलब्ध ही है। मेरे तो बहुत पुराने पढ़े हुए बच्चे भी आज मुझे याद किया करते हैं और कभी उन्हें प्रॉब्लम आया करती है या कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली। और बत्रा सर भी उनके लिए उपलब्ध रहते हैं उन्हें गाइड और हेल्प करने के लिए। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है जो बच्चों को मिला करती है और उन्हें सेटिस्फाई करता है कि हाँ कोई एक सीनियर हमारे साथ है कि जब मदद पड़ने पर या मदद का हाथ बढ़ाने पर अगर हम मांगेंगे तो बत्रा सर हमेशा अवेलेबल होंगे और ऐसी स्थिति में हमें मदद मिल पाएगी। अभी कुछ दिन पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, एक बच्ची का फ़ोन आया मेरे पास में कि सर मैं आपसे पढ़ी हुई हूँ और आपकी ये हेल्प चाहिए। मैंने कहा बोलो बेटा। बोले मेरा भाई घर से चला गया है, आप उसके फ़ोन को सर्वेलांस पे लगा के मुझे बताइए कहाँ है। मैंने कहा बेटा ये काम मैं बिना पुलिस की परमिशन के नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये इंडियन टेलीफोन एक्ट में किसी प्राइवेट पार्टी को बिना पुलिस परमिशन के या करना जो है वो एक तरीके से अपराध माना जाता है। तो मैंने कहा आप पुलिस में जाएं, वहाँ कंप्लेन लिखा है, वहाँ काम नहीं होता है तो उस जगह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ पुलिस से बात करके। और वही हुआ है ना, मुझे वापस फ़ोन आया कि सर मैं पुलिस थाने में हूँ, ये थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे जो थानेदार साहब थे उनसे बात की, उन्हें इनका जो है IT एक्ट का हवाला दिया और उन्होंने बताया कि मैं खुद टेक्नोक्रेट हूँ और ये बच्ची की मदद के लिए आपको काम करना पड़ेगा वरना मैं काम करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने अपनी जो है पहचान का भी हवाला दिया और फिर बच्ची का काम हो गया। इस समय राजस्थान के जो एक DIG है मिस्टर कपूर, वो मेरे बहुत अच्छे कहना चाहिए मिलने वालों में है, तो ज़रूरत पड़ने पर उनका भी हम इस्तेमाल कर लिया करते हैं ऐसे किसी तरीके की प्रॉब्लम और कामों को करने के लिए। तो आपके बत्रा सर अपने आप में बड़े रिसोर्सफुल और इन्फ्लुएंशियल है, ज़रूरत पड़ने पर वो बच्चों की जहाँ एक सही तरीके की हेल्प होती है उसमें हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं घर के झगड़ों में बत्रा सर को खींच लो, है ना सर, कि इसको निपटा दो गोगा बेड़ी की तरह, ऐसा नहीं करते बत्रा सर, ठीक है। हाँ कहीं आपकी प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो एक एथिकल होनी चाहिए तरीके का काम जहाँ आपको किसी प्रॉब्लम से निकालना हो सकता है, वरना दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन कंपनीज आर अल्टीमेटली एमिंग टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इनेबल्स देम टू सक्सीड इन द लॉन्ग रन। माइकल पॉटर ने कहा कि कंपनी कैन जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 2 डिफरेंट वेज। या तो आप अपने प्रोडक्ट में इतना अंतर ले आओ कि कोई आप जैसा ना बने, तो ऐसा बन गया एप्पल, इतना अलग कर दिया कि अब कोई एप्पल जैसा बना नहीं पाता। और दूसरा, या तो आप सबसे सस्ते आ जाओ, प्राइस एडवांटेज कर लो, तो वो हो गया चाइनीज। चाइनीज ने क्या किया, हर माल सस्ता कर दिया, उन जैसा कोई हो नहीं पाता। तो या तो आप एप्पल अमेरिकन जैसे बन जाओ कि आप जैसा कोई बना नहीं सके, या आप सबसे सस्ते बन जाओ चाइनीज की तरह कि कोई आप जितना सस्ता दे नहीं सके। इन 2 बेसिस पे आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका बचता नहीं है, ठीक है। बड़े मार्केट में, ये बड़े मार्केट के, छोटे मार्केट के लिए एक और होता है जिसको अपन फोकस मार्केटिंग या फोकस भी कहा करते हैं, नीश भी कहा करते हैं, वो एक अलग तरीका है जिसको चैप्टर नंबर 4 में अपन डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पॉटर के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वो कैपेबिलिटी जो कंज्यूमर को सुपीरियर और स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड करती है, स्पेशल फीचर प्रोवाइड करती है, स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड करती है डिफरेंशिएशन के तहत, जो कोई और नहीं दे सकता। तो डिफरेंशिएशन जो होती है वो हायर प्राइस चार्ज करती है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, और उसके प्रॉफिट भी हायर होते हैं, हायर प्राइस होता है और हायर प्रॉफिट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन का तरीका हमने बताया है या कॉस्ट एडवांटेज का तरीका बताया हमने, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग तरीके से काम किया करता है। पॉटर कहते हैं हमारी वैल्यू चेन जितनी अच्छी होगी हमारे फंक्शंस और हमारे काम उतने ही अच्छे होंगे। तो कुल मिला के जो हमने पीछे वैल्यू चेन पढ़ा था जिसमें 5 प्राइमरी और 4 सपोर्टिंग एक्टिविटी थी, वैल्यू चेन एनालिसिस प्रोवाइड द एक्सेलेंट टूल। वैल्यू चेन एनालिसिस 5 प्राइमरी 4 सपोर्टिंग वाला, एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको है या नहीं है। 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट ग्रुप एक्टिविटीज, नेमली प्राइमरी एक्टिविटी 5, सपोर्टिंग एक्टिविटी 4, कैन हेल्प टू कॉम्प्रहेंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज कि हम कितना दूसरों से आगे हैं। इट इज़ बेसिकली द वैल्यू कस्टमर वॉन्ट टू पे, मतलब 1500 की चीज़ को 2000 भी पे करना चाहता है ओवर एंड अबाव द प्राइस, है ना। 2000 रुपये पे कर रहा है वो मुझे, जबकि प्राइस है मेरा केवल 1500 रुपये, ओवर एंड अबाव मुझे ज़्यादा देना चाहता है वो, है ना। जैसे कई बार अपन किसी होटल या रेस्टोरेंट में वेटर की सर्विसेज से खुश होके ओवर एंड अबाव टिप दे के आ जाया करते हैं, है ना। वो एक कल्चर की तरह टिप नहीं देना, बत्रा सर उनमें से नहीं है। मुझे सर्विसेज पसंद नहीं आती हैं तो मैं जाके बिल्कुल विरोध दर्ज करा के आता हूँ काउंटर पे, आज आपकी सर्विसेज घटिया थी, और जोर से बोलता हूँ ताकि सब लोग सुने। पर्पस ये होता है कि अगली बार जब मैं आऊँ तो अटेंटिव होकर मुझे सर्विसेज दे, नहीं तो मैं वोकल आदमी हूँ, तुरंत बोल दूंगा, अगली बार वो अपने आप ही ठीक हो जाया करते हैं। तो और अच्छा काम करता है तो बकायदे मैं टिप दे के आया करता हूँ और थोड़ा जोर से भी बोलता हूँ आज आपकी सर्विसेज पसंद आई हमें, और उसके लिए एडिशनल आपको ओवर एंड अबाव। तो दोनों तरीके हैं। मुझे पुरानी बात याद आती है, जोधपुर में एक नया रेस्टोरेंट खुला था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से 18-20 साल पहले, ऑन द रॉक्स करके। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ में वहाँ गया था और आपको मालूम है ये होटल रेस्टोरेंट वाले अक्सर ऐसा किया करते हैं। आपको भी आगाह कर रहा हूँ, आपको भी सावधान रहना चाहिए। जब आप एक बड़े ग्रुप के साथ जाया करते हैं तो कौन क्या चीज़ मंगाता है, बिल में हम उसको चेक नहीं किया करते, हम सिंपली बिल पे करके आ जाते हैं और शायद उस बिल को वहाँ देखना भी हमें बड़ी शर्म का एहसास कराता है। लेकिन बत्रा सर उनमें से नहीं है। मैं तो बिल आने पर चाहे 2 आइटम मंगाए हो चाहे 100 आइटम मंगाए हो सबसे चेक करवाता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ। तो उस दिन जो बिल बना था उसको मैंने चेक किया, हालांकि मुझे पे नहीं करना था पर मेरी आदत है। तो ऑन द रॉक्स पे बैठे हुए सारे बिल को हमने चेक किया, मालूम पड़ा कुछ चीज़ें हमने मंगाई नहीं जिसको बिल में उसने जोड़ दिया। मैंने वेटर को बुलाया और मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा जब ये आइटम ही नहीं मंगाया हमने जोड़ कैसे दिए तुमने। अब वो एक दूसरे की शक्लें देखें क्योंकि उनको लगता था चल जाएगा, कोई देखता नहीं होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाते हैं या कोई ऐसा फीमेल मित्र के साथ जाया करता है, तब तो इतनी शर्म आया करती है अरे अगली क्या सोच लेगी। मैं कहता हूँ भाड़ में जाए, किसी के सोचने को इनको एक्सपोज करना जरूरी है ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो उस दिन मैंने ज़ोर से सुना के बोला, मैंने कहा तुमको तो मैंने आज पकड़ लिया, पता नहीं तुम कितने लोगों। वो बोले सर धीरे धीरे। मैंने कहा धीरे नहीं, आज तो सबको सुनाना है ताकि सब सावधान आ जाए, उसके बाद कोई तुम हरकत नहीं करो। और आप विश्वास करोगे उसके बाद वैसे सीधे हुए। उसके बाद मेरा कई बार जाना हुआ, मेरे जाते ही 2 लोग तो अटेंटिव हो जाया करते थे सेवा में मेरे, कि सर के सेवा में कमी नहीं रहेंगी क्योंकि आदमी बड़ा वोकल है, तुरंत बोल दिया करता है। और उसके बाद मेरे साथ कभी इन्होंने दिक्कत नहीं की। अब दूसरे लोग जो समझदार नहीं रखेंगे इस तरीके की, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। ऐसा आप अगर उधार पे किराने का सामान लेते हैं तो वो किराने का व्यापारी भी आपके बिल में 2-1 चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ देता है। जैसे आपने 1 झाड़ू मंगाया तो 2 झाड़ू लिख देगा, आपने 1 किलो चीनी मंगाई और महीने भर बाद बिल भेज रहा है तो 2 किलो लिख दी, चावल के जगह 2 किलो चावल लिख दिए। ऐसा वो भी किया करते हैं, उनको मालूम है कोई पकड़ेगा नहीं, पकड़ लेंगे तो माफ़ी मांग लें गलती हो गई और चल रहा है तो पैसे घर आ ही रहे। सपोज करो ऐसे 1000 ग्राहक ही उनके हो जावे हैं और उनमें से 200-300 लोग उनको फ्री फंड में पैसे दे रहे हैं तो उनके घर से क्या जा रहा है। तो इसलिए आपको चेक करना जरूरी है। और इसके लिए अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है जिससे माल लेते हैं जो हमारे पैसे की हमें वैल्यू देता है, सलाह देता है, तो हम क्या करेंगे सारी दुकानें छोड़ के उसके बाद जाना पसंद करेंगे कि भाई ये आदमी कैरेक्टर का ठीक है, एथिकल वैल्यूज़ का है, एक पैसा ज़्यादा नहीं लेता है, चीज़ अच्छी दिया करता है, हम देखें या नहीं देखें बिल ठीक आता है, वैल्यू फॉर मनी है। तो ये जो पैसे मांग रहा है उससे ज़्यादा भी देने के लिए तैयार है, चीज़ इसी से मंगाओ 2 दिन वेट कर लेंगे। ये उसके दिमाग में हमने अपनी वैल्यू क्रिएट की है तो वो कभी हमारे को छोड़ के नहीं जाएगा। तो एक कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होती है वैल्यू देने से। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब होता है ब्रांड से जुड़ गया वो, अब आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप नहीं दे पा रहे तो थोड़े दिन इंतजार करेगा पर लेगा वो आपसे। तो ऐसे आप वैल्यू क्रिएट करें कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड द वैल्यू क्रिएशन। 500 रुपये का वैल्यू क्रिएशन हो गया यहाँ पे। वेर एन कंज्यूमर वैल्यू द प्रोडक्ट एंड सर्विस मोर देन एक्चुअली कॉस्ट देम। तो कॉस्ट से ज़्यादा, प्राइस से ज़्यादा हम उसको मानते हैं और ये जो हमने उसके दिमाग में क्रिएट किया है एक चीज़ को, उसको हम कहते हैं वैल्यू। चलिए अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मार्केट एंड कस्टमर। मैं होप कर रहा हूं आपको सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, रियल लाइफ से जुड़ी हुई लग रही होंगी। बत्रा सर के एक्सपीरियंस से सीखने में आपको मदद मिल रही होगी। क्लास आपके लिए एंजॉयबल है, मेमोरेबल है और साथ साथ में नॉलेजेबल तो है ही। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए सीन नन, तो आगे बढ़ते हैं। मार्केट एंड कस्टमर। मार्केट किसको कहते हैं? मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां खरीदने और बेचने वाले इकट्ठे होते हैं। जैसे सुबह सुबह हम सब्जी खरीदने के लिए वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में जाते हैं ना, वहाँ सारे सब्जी और फ्रूट बेचने वाले होते हैं और हमारे जैसे सुबह सुबह वहाँ जाके खरीदार इकट्ठे होते हैं। तो बेचने वाले और खरीदने वाले जहाँ इकट्ठे होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज, एक बेच रहा है खरीद रहा है, ऐसे कई लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? मार्केट। अब ये मार्केट कई तरीके के हो सकते हैं, वेजिटेबल मार्केट हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, कोल मार्केट हो सकता है ना, या फिर कंस्ट्रक्शन का मार्केट हो सकता है, गोल्ड का मार्केट हो सकता है, सिल्वर मार्केट हो सकता है, ऑयल मार्केट हो सकता है ना। इसके अलावा हर शहरों में कई जगह तो वो अलग अलग तरीके के मार्केट बने हुए हैं, है ना, कि यहाँ पे केवल आपको लोहा लकड़ी मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है ऑयल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको खाने पीने से संबंधित मिल जाएगी। तो ये फूड मार्केट है ना, ये हमारा जो है वो कपड़े का मार्केट है, ये हमारा फुटवियर का मार्केट है। तो मार्केट मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ इंटरेस्टेड पार्टियाँ, खरीदान और बेचने वाले इकट्ठे होकर डील किया करते हैं। ये मार्केट इज अ प्लेस फॉर इंटरेस्टेड पार्टी जिसमें बायर और सेलर 2 लोग आ जाते हैं। मार्केट जो है एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं। वेयर आइटम्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज फॉर ए प्राइस, एक प्राइस पे मैं माल देता हूं और आप मुझे पैसा देते हैं. द मार्केट माइट बी फिजिकल, दुकान हो सकती है, सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर वेयर द पीपल इंगेज, है ना, या फिर वर्चुअल हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, ऐप हो सकता है, जैसे ऑनलाइन मार्केट जहाँ बायर फिजिकली मीट नहीं करते, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डील करते हैं. जैसे ये क्लास है वर्चुअल हो रही है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं एक ऐप के माध्यम से आपको अपनी क्लासें पहुँचा रहा हूँ. आप चाहे तो लाइव हमसे पढ़ें या आपने समय पर इसे रिकॉर्डेड मोड में देख लें, है ना. तो ये फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है. टर्म मार्केट कैन बी अप्लाइड टू वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ सिक्योरिटीज ट्रेड होती है वो भी अपने आप में एक मार्केट है, ठीक है. इसी तरीके से वेजिटेबल मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे फ्रूट फल फ्रूट बेचे जाते हैं फार्मर्स द्वारा. इसी तरीके से ग्लोबल ऑयल मार्केट है, ओपेक की कंट्रीज उसे चलाते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है वो तेल को खरीदा और बेचा जाता है. तो मार्केट एक ऐसा प्लेस हो गया जहाँ बिजनेस किया जाता है और लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दी जाती हैं. इसके लिए हमें करनी पड़ती है एक चीज, फंक्शन जिसका नाम है मार्केटिंग. मार्केटिंग का मतलब होता है वो ऑपरेशन जिनमें रिसर्च होता है, डिजाइनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाते हैं. और इस मार्केटिंग में 4P बड़े इंपॉर्टेंट हैं. कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. तो मार्केटिंग करने के लिए 4Ps की समझ होनी चाहिए. प्रोडक्ट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट फिजिकल से नहीं है, सर्विसेज भी हो सकती है. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. जैसे हमारा प्रोडक्ट क्या है? SM क्लासेस. हमारा प्रोडक्ट क्या है? SM क्लासेस. प्राइस क्या है? अभी 5,000 है, अभी 5,000 होने वाला है, अभी 5,000 होने वाला है, 2,000 से 5,000 अभी हो जाएगा, है ना, कुछ ही समय में हो जाएगा, क्लास खत्म होते होते हो जाएगा, 1 घंटे बाद हो जाएगा, पर आज हो जाएगा, मुझे लग रहा है हम ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है. 1 या 2 ऑर्डर आते हैं, 1,000 का आंकड़ा छूने वाला है. प्लेस कहाँ मिलता है आपको? ये मिला करता है आपको ऐप पर. प्रमोशन का तरीका क्या है? हम क्लासेज में प्रमोशन करते हैं, हम यूट्यूब पर करते हैं, हम लोग फेसबुक पर करते हैं, हम लोग इंस्टा पे करते हैं, मतलब सोशल मीडिया में कर रहे हैं. अच्छा, इसके अलावा हम चाहें तो न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, है ना, प्रिंट मीडिया में कर सकते हैं, टेलीविज़न पे कर सकते हैं. तो प्रमोशन के तरीके हो गए. तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? SM की क्लास है. प्राइस क्या हो गया? 5,000 रुपये मान के चलो. प्लेस क्या है? ऐप के ऊपर मिल रहा है. प्रमोशन के तरीके क्या है? इतने सारे. बात आई क्या समझ में? तो मार्केटिंग करते हुए आपका 4Ps क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये 4P आपकी चीज़ों को मार्केट में तेजी से ले जाने में मदद करते हैं. आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, आपका प्राइस क्या है, किस प्लेस पे मिलेगा, फिजिकल दुकान में मिलेगा या ऐप पे मिलेगा या यूट्यूब पे मिलेगा या जो है आपकी वेबसाइट पे मिलेगा. उसके बाद में प्रमोशन कैसे करोगे आप उसका? होर्डिंग लगाओगे, घर घर लोगों को भेजोगे, माउथ पब्लिसिटी करोगे या अखबारों में पैम्पलेट बिछवाओगे या क्लासेस में बताओगे, यूट्यूब पे कहोगे, फेसबुक पे बोलोगे, इंस्टाग्राम में बोलोगे, टेलीग्राम चैनल पे बोलोगे, न्यूज़पेपर में दोगे, प्रिंट मीडिया में जाओगे या फिर आप टेलीविज़न पे बात करोगे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से. ये सब प्रमोशन के तरीके हैं. बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ. तो ये हो गया 4P, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. ये 4 तरीके के मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं, वही आपके मार्केट में स्थापित होने के लिए जरूरी है. डिलीवरिंग द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ये मेन एम है मार्केटिंग है. मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की जानकारी उपलब्ध कराना और उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देना, और इसके बाद वो इतना से सेटिस्फाई हो जाए कि दूसरे लोगों को भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में कहे. जैसे आप सब अगर हमारी क्लास से सेटिस्फाई होते हैं तो आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर, आप दूसरे लोगों को कह सकते हैं कि भाई पहले 2,500 में कोर्स मिलता था लेकिन इसकी वैल्यू 5,000 की थी, अब भी 5,000 में मिल रहा है, तो आपके लिए बुरा नहीं है, आप ले सकते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं. तो ऐसा कहने से, आपके कहने से, बताओ क्या दूसरे लोग उसे नहीं लेंगे? लेंगे, क्योंकि वो आप पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी पे ज्यादा विश्वास करते हैं. द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग हैज इवॉल्व, एक्वायर डिफरेंट डायमेंशन सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड कस्टमर. तो हम कई तरीके की चीज़ अडॉप्ट करते हैं अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाने में. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, थिंक दैट बायर विल चूज दोज प्रोडक्ट दैट हैव द बेस्ट क्वालिटी. जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है लोग उसको खरीदते हैं. हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो क्वालिटी को तरजीह देते हैं, बेटरमेंट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, प्रोडक्ट से लेना देना होता है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं उसकी. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओरिएंटेड जितने बिजनेस होते हैं उनमें हम लो प्राइस के प्रोडक्ट रखना चाहेंगे. सेल्स ओरिएंटेड जो होते हैं उनमें हम चाहेंगे कि हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करें ताकि हमारी बात कस्टमर तक पहुंच सके. जो कस्टमर या मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच होती है उसमें प्रायोरिटीज हमारी कुछ अलग हो जाया करती है, वो कस्टमर के प्रति हुआ करती है, या हमें अपॉर्चुनिटीज कस्टमर दिया करता है. कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस जो होता है वो कंटिन्यूसली लर्न करना, कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझना, प्रेजेंट सिनारियों को देखना, इन सब चीज़ों को हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का नाम दिया करते हैं, जिसमें कस्टमर ही सब चीज़ों के मूल में होता है. कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर कौन सा प्राइस एक्सेप्ट करेगा, कस्टमर की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कस्टमर को क्या फीचर देने चाहिए, कस्टमर किससे खुश हो जाएगा, ऐसी सब बातें हम लोग किया करते हैं कस्टमर और मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी के तौर पे. अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कस्टमर की. आपको ध्यान होना चाहिए कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है. कस्टमर वो होता है जो चीजें तो खरीदता है लेकिन खुद उपयोग नहीं करता, लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो खुद भी खरीदता है खुद भी उपयोग करता है. तो उपयोग करने वाला अल्टीमेटली कंज्यूमर है, खरीदने वाला कंज्यूमर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है. एक कस्टमर क्या है, ये एक पर्सन हो सकता है या एक बिजनेस हो सकता है, दैट बाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरों के लिए खरीदता है. ये कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड रेवेन्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम. तो कस्टमर अगर होंगे तो आपका रेवेन्यू बनेगा, कस्टमर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा. किसी के कोई कस्टमर ही नहीं है तो बताओ फिर वो एग्जिस्ट करके करे क्या. दुकान खोली, एक भी ग्राहक नहीं आया और ऐसा एक साल तक चलता रहा तो फिर दुकान बंद करना ही उचित है. जब एक साल में भी दुकान रोज खोल के बैठते हुए ग्राहक नहीं घुसता तुम्हारे यहाँ पे, इसका मतलब लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करते, तुम्हारे कम्युनिकेशन के तरीकों को पसंद ही नहीं करते, वो तुम्हारे यहाँ आना ही नहीं चाहते, तो ज़बरदस्ती हम कितने लोगों को ले आएंगे. तो कस्टमर की वजह से ही सब कुछ हुआ करता है. रेवेन्यू आएगा तो उसकी वजह से आएगा, एडवांटेज मिलेगी तो उसकी वजह से मिलेगी. सो हम कस्टमर के बेसिस पर ही हैं. कस्टमर नहीं होंगे तो मार्केट भी काम नहीं करेगा और कंपनी भी काम नहीं करेगी. ऑल बिजनेस कम्पीट फॉर कस्टमर आइदर बाय एग्रेसिवली मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट और लोअरिंग देयर प्राइसेस टू बूस्ट द कस्टमर बेस. द टर्म कस्टमर एंड कंज्यूमर आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस, लेकिन इनका उपयोग एक थिन डिस्टिंक्शन के साथ किया जाता है. इंडिविजुअल और बिजनेसेस जो कंज्यूम करते हैं या प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं उसको तो हम कहेंगे कंज्यूमर्स. कस्टमर्स आर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एंड दे माइट एग्जिस्ट एज ए कंज्यूमर और ओनली कस्टमर. अगर वो किसी और के लिए खरीद रहे हैं, खुद उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो कस्टमर है, लेकिन वो खरीद के खुद उपयोग कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर कहलाएंगे. इतना अंतर है. अगर मैं दूसरे के लिए खरीद लेता हूँ तो मैं कस्टमर हो गया. मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ चीज़ ले लेता हूँ जिसका उपयोग मैं नहीं करता तो मैं कस्टमर हो गया, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन खुद खरीदते हैं और खुद ही इसका उपयोग करते हैं, वो कंज्यूमर हो गए. इन होम ग्रोसरी ऑफन बॉट बाय द पेरेंट, कंज्यूम बाय द मेंबर्स. तो जो खरीद रहा है खुद के लिए नहीं खरीद रहा है वो कस्टमर है, जो दूसरे उपयोग कर रहे हैं वो कंज्यूमर है. बिजनेस जो होता है वो लगातार कंज्यूमर्स और उनकी जरूरतों का अध्ययन करते रहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें. ये जो कस्टमर्स होते हैं कई कैटेगरी में बांटे जाते हैं, जैसे एज ग्रुप के हिसाब से, रेस के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, एथेंटिसिटी के हिसाब से, इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से, जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से इन्हें बांटा जाता है. कस्टमर जो प्रोफाइल होता है वो हमें कई तरीके की जानकारियाँ दिया करता है, जैसे बायर कितने हैं, सेलर कितने, डिस्ट्रीब्यूटर कितने, सेल्समैन कितने, मैनेजर कितने, रिटेलर कितने. और इसके अलावा ये सारी जानकारी जब हमें मिल जाती है तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस लाना चाहिए कस्टमर के लिए। सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो भविष्य में हमारे से चीजें लेंगे। अब आता है कस्टमर का बिहेवियर कैसा होता है। कस्टमर का जो बिहेवियर होता है मूव बियॉन्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर टू एक्सप्लेन हाउ दे परचेज प्रोडक्ट। इट एग्जामिन द एलिमेंट लाइक शॉपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस एंड पार्टिसिपेशन या परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस ऑफरिंग। हम जो लोगों के दिमाग में भर रहे हैं मार्केटिंग के तौर पे, वो कितना उसको समझ पा रहे हैं, कितना उसको ले रहे हैं, कितना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें हमारी मार्केटिंग स्किल पे डिपेंड करती हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिटेल अलाउ बिजनेसेस टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर इन द इफेक्टिव मैनर। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कस्टमर एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव मार्केटिंग, प्रोवाइड कस्टमर एंड सर्विसेज दैट मीट एंड रिटेन द कस्टमर फॉर रिपीटेड सेल। अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहा तो अगली बार भी माल आपका खरीदेगा, नहीं तो आपसे कुछ नहीं लेगा। आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। हमने अंतर बताया, कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट एंड सर्विस ले तो लेता है लेकिन खुद उपयोग नहीं करता, लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो लेता भी खुद है और उपयोग भी खुद करता है। भारत का मार्केट कंज्यूमर ड्रिवन है, लोग खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही उपयोग कर रहे हैं, जबकि चाइना का मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड है। वहाँ बड़े लोग अपने घर के छोटे लोगों के लिए, बच्चों के लिए चीज़ों को खरीदा करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली छोटे बच्चे उन चीज़ों को कम खरीद रहे हैं। तो इंडियन मार्केट जो है वो यंग पॉपुलेशन वाला है, इसलिए कंज्यूमर ओरिएंटेड है। चाइनीज़ जो है वो ओल्ड पॉपुलेशन वाला है, इसलिए वो कौन सा है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। और दुनिया में कंपनियों के लिए कंज्यूमर ड्रिवन इन्वायरमेंट जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ उनकी सेल ज़्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है कई चीज़ों से। इसमें से तीन कॉन्सेप्चुअल डोमेन हमारे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहला, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या आती हैं हमारे को, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस क्या है और डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो होती है जैसे एडवर्टाइजमेंट है, पीयर रिकमेंडेशंस है, सोशल नॉर्म्स है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सोशियोलॉजी और इंटरनल प्रोसेसेस हैं, तो इन पर, इनसे हम पे प्रभाव पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट देख के मन ललचाता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। किसी ने हमने कहा मैं खरीद लिया है, मुझे ठीक लग रहा है, आप भी ले लें, तो हम पे फ़र्क पड़ता है। साइकोलॉजिकली हमें लगता है सब लोग ले रहे हैं तो मुझे भी अब ले ही लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का पार्ट हुआ करती हैं। बात आई क्या सबको समझ में। दूसरा है इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। इंटरनल प्रोसेसेस जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं या इंटरनल टू द कस्टमर होते हैं, जो कस्टमर के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की तरह मोटिवेट करने में हमारी मदद किया करते हैं। ये हमें इंटरनली रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है, जो सोचता समझता है, एज डिसीजन मेकर वुड सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल डिसीजन। तो जो हमारे डिसीजन मेकिंग होती है वो बड़ी सोच समझ की जाती है और हमारे डिसीजन मेकर जो सूझदार व्यक्ति होना चाहिए, इसीलिए हम उसके लिए सूझवान व्यक्ति को लेंगे ताकि डिसीजन मेकिंग हमारी गलत ना होने पाए। अब स्टेजेस क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्या स्टेजेस हैं। आप एक कोर्स SM का खरीदने जा रहे हो, इसको दिमाग में रख के जरा याद करने की कोशिश करें। स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है हमारी। नंबर 1, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि नए कोर्स का SM पढ़ना है और मुझे उसके लिए एक अच्छा टीचर चाहिए, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, न्यू कोर्स SM टीचर, मैं किस से पढ़ूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रिकग्नाइज की, हमने अपनी डिज़ायर कंपनी को बताई। नंबर 2, रिसर्च फॉर डिज़ायरेबल ऑल्टरनेटिव, है ना। हमें क्या करो, प्रॉब्लम रिकग्निशन के बाद में ऑल्टरनेटिव बताओ जिनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ताकि हमें पता चले कि ये ठीक है या कोई और ठीक है। उसके बाद तीसरा, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, सीकिंग इंफॉर्मेशन एज अवेलेबल ऑन ऑल्टरनेटिव, इससे हमें उनके प्रोज एंड कॉन्स को समझने में मदद मिलेगी। और चौथा होता है मेक ए फाइनल चॉइस, और तब जाके हम अंत में फाइनल चॉइस बनाते हैं। तो जैसा प्रॉब्लम रिकग्निशन है, आपको एक SM का नया कोर्स खरीदना है, आपने X टीचर, Y टीचर, Z टीचर और बत्रा सर, इन सब को YouTube पे उनके वीडियोस को देखा। अब आपने क्या किया, देखा सारे टीचर्स की क्या कमी है, कि कोई बिल्कुल नया है, ये न्यू है, ये पहले केवल FM पढ़ाता था, अब ज़बरदस्ती SM पढ़ाने लग गया है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, इसने कहा चलो ये मैं ये भी पढ़ा दूंगा। और बत्रा सर है जो केवल एसएम ही पढ़ाते हैं और वही उनका कोर सब्जेक्ट है। तो आपने क्या किया, सबसे सूटेबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी और उसके बाद आपने जानकारी एकत्रित की, मुझे पास कौन करवा सकता है। तो आपको एक ही नाम सामने आया, बत्रा सर है जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है और उनके नोट्स दूसरों से पहले तैयार है, कलरफुल बुक्स उपलब्ध है जिसमें हाईलाइट किया गया है क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए फाइनल चॉइस आप बत्रा सर की लिया करते हैं। तो आपने एक प्रैक्टिकल उदाहरण से इसको समझने की कोशिश की, जो आपको अभी हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तौर पे समझाया। फाउंडेशन में अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे, कुछ प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं जैसे दाल, चावल, चीनी, है ना, टूथपेस्ट, नमक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनफ्रीक्वेंटली परचेज होते हैं, जैसे कार लेना, घर खरीदना, डायमंड ज्वेलरी लेना। ये कभी कभार होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होती। तो फ्रीक्वेंट वाले डिसीजन अलग प्रकार से लिए जाते हैं, अलग माइंडसेट से लिए जाते हैं। जो इनफ्रीक्वेंट प्रोडक्ट होते हैं उनके डिसीजन लेते हुए हमारा माइंडसेट अलग होता है और उनके लिए हमारी सोच अलग होती है। द बिहेवियर ऑफ मेकिंग डिसीजन हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंट परचेजेज हैं, कुछ इनफ्रीक्वेंट परचेजेज हैं, लेकिन दोनों के लिए माइंडसेट अलग अलग होता है। द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली वैलिड व्हेन परचेजिंग ए कार, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर इन कॉन्ट्रास्ट टू परचेज ऑफ आइसक्रीम एंड सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक और अगर आइसक्रीम ले रहे हैं तो आप अलग तरीके से डील करेंगे, लेकिन जब आप कार ले रहे हैं, टेलीविजन ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तब आपका डिसीजन मेकिंग का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। आइए लास्ट टॉपिक की तरफ ले चलता हूं मैं आपको, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ऐसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट में कंपटीशन का अध्ययन करके, कॉम्पिटिटर्स का अध्ययन करके बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी आर दोज स्ट्रैटेजीज जो कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है। अब मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन है, जो सेम और सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं। और मार्केट में कोई भी मार्केट जो है वो मोनोपोली का नहीं है, एवरीवेयर देयर इज ऑलिगोपोली, एक से ज़्यादा प्लेयर है तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉन अवॉइडेबल। कंपटीशन इज अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेस। कि हर चीज़ के एक से ज़्यादा प्लेयर होते हैं, ये एक सदा सत्य वाली बात हो गई। इट इज़ फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड विद स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कम्पीट करते हैं विद ईच अदर फॉर द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड कस्टमर। तो जितने भी बिजनेस होते हैं वो सेम कस्टमर के लिए, सेम आइडिया के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम प्राइस के लिए झगड़ रहे होते हैं। तो हम किसको दें, ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से चीज़ों को मार्केट कर रहा है, ऑफर कर रहा है। विद इन ए इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन इज फ्रीक्वेंटली इनकरेज विद अ वाइडर गोल ऑफ अटेनिंग एंड अचीविंग हायर क्वालिटी सर्विसेज और सुपीरियर गुड्स दैट फॉर्म में मैन्युफैक्चर और डेवलप। बात आई समझ में। द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ऑफ ए बिजनेस इज कंसर्न विद हाउ टू कम्पीट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो होती है वो हमें बताती है कैसे हमें कम्पीट करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अंदर हमें रहना चाहिए। इन सब की जानकारी हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी से मिल जाती है। In other words, competitive strategy define how the firm expect to create and sustain a competitive advantage over the competitor. Having a competitive advantage over competitor means being more profitable in the long run. तो अगर आप ज़्यादा competitive है तो आप ज़्यादा profitable होंगे, क्योंकि लोग आपको लेना पसंद करेंगे क्योंकि आप competitor के मुकाबले better value दे रहे हैं longer run में। The competitive strategy of the firm within the certain business field it analyzed using two criteria. ठीक है, कौन से हैं, कौन से दो क्राइटेरिया, द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना और दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की प्रोटेक्शन करना, कि वो लगातार हमारे पास बनी रहे। ऐसा नहीं हो जाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम बहुत जल्दी खो दें, जो हमारे पास यूनिक चीज़ थी वो हमारा कॉम्पिटिटर या दूसरे कॉम्पिटिटर कॉपी करके अपना बना रहे हैं, तो अब हम सब कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो गए, अब हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ नहीं है क्योंकि हम सब लोग एक जैसे काम कर रहे हैं। An important component of industry and competitive analysis involve examining into the industry's competitive forces to discover. तो ये जो नया पेज आया है हमारे पास में कि इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो होता है उसका प्रोसेस अब हमें डिस्कस करना है. द मेन सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड हाउ स्ट्रांग ईच कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. दिस एनालिटिकल स्टेप इज essential because manager cannot devise a successful strategy without in-depth understanding of the industry's competitive character. तो हम अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो उसका in-depth नॉलेज हमें होना चाहिए. Even though competitive pressure in various industries are never precisely the same. हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के प्रेशर आया करते हैं. The competitiveness of the process works similarly enough to use a common analytical framework इन गेजिंग द नेचर ऑफ द इंटेंसिटी एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. तो कॉमन जो हमारा फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि आप जितने प्रकार की इंटेंसिटी है राइवलरी की उसको गेज करो, नापो और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की इंटीग्रिटी के ऊपर जो है नज़र मत डालो क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. माइकल पॉटर का जो 5 फोर्स मॉडल होता है वो कॉम्पिटिशन को समझने में हमारी मदद कर सकता है. इट इज़ पावरफुल टूल फॉर सिस्टमेटिकली डायग्नोसिंग. ये सिस्टमेटिकली डायग्नोस करने में मदद करता है. द मेन कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन द मार्केट एंड असेसिंग हाउ रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट ईच वन इज. नॉट ओनली इट इज़ वाइडली यूज फॉर द टेक्निक ऑफ कॉम्पिटिशन एनालिसिस बट ऑल्सो रिलेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई थ्रू. मतलब अगर माइकल पॉटर का सिद्धांत आपने अपनाया है जिसमें आपने न्यू एंट्रेंट की थ्रेट को देखा, बायर्स के कोलाबोरेशन को देखा, सप्लायर्स को देखा, सब्सटीट्यूट का देखा, राइवल्स का देखा, सबको जब आपने देख लिया तो फिर आपको पता चल जाता है इससे पावरफुल टूल नहीं है हमारे पास में जिससे हम डायग्नोस्टिकली एक्सेस कर सकें कि हमारा काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है और उसी से हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले बेटर पोजीशन पर कर पाएंगे. आइए अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस एनालिसिस का तरीका. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज नथिंग बट बिजनेस एनालिसिस मेथड विच आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिशन एंड इन द सेम टाइम इट परमिट्स द कॉम्प्रहेंशन ऑफ देयर विजन एंड मिशन, कोर वैल्यूज एंड नीश मार्केटिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो हमें हर तरीके की जानकारी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में इकट्ठी करनी है ताकि उसके मुकाबले एक कदम हम आगे रहें. अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस. एमसीक्यू में सवाल आता है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. तो आपको इसमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का उपयोग करना है कि आज के इस चीज को आप कैसे समझ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी स्कीम्स क्या है, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, उनमें खूबी क्या है, उनमें खामी क्या है, क्या आप ये प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, अगर लेंगे तो इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए. इस तरीके की कोई चीज़ अगर हम उससे पूछते हैं तो फिर इससे हमें मिलती है जानकारी, इंसाइट और इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. एंड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस. हम इन डेप्थ जाएंगे. ऑफ द फॉर्म कॉम्पिटिशन अलाउज इट टू एक्सेस competitor suggestion and weaknesses in the marketplace and help to choose and implement effective strategies. Thus it will improve its competitive advantage and understand the competitive landscape is important to build the competitive advantage. तो अगर आप competitive landscape को समझ गए depth में तो आपको मिलेगी competitive advantage. बात आई क्या सबको समझ में? अब आओ 5 स्टेप में समझते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक्चुअली है क्या. देयर आर 5 स्टेप्स टू इट जो कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में हमें पढ़ने होंगे. तो आइए इन 5 स्टेप को देखते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में. पुराने कोर्स में इन स्टेप्स के ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है. इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. इसमें सबसे पहला फैक्टर है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. अब जैसे मैं बात करता हूं मेन हमारा जो वो है पतंजलि. अब ये अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई, तो इसके कॉम्पिटिटर कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, हमदर्द, डाबर, ठीक है, और इसी तरीके की कई कंपनियां जो आयुर्वेदिक तरीके से काम करती है। तो पहला होता है कि भाई हम अपने कंपनी के मुकाबले कॉम्पिटिटर को समझें। तो पहला स्टेप होता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आइडेंटिफाई करो हमारी इंडस्ट्री में कौन ऐसे लोग हैं जो सेम और सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिया करते हैं। तो पतंजलि के कौन हो गए, ये पतंजलि के हो गए ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स, मतलब मेरे जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देने वाले लोग कौन है वो कहलाएंगे मेरे कॉम्पिटिटर। ये डायरेक्ट वाले भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हु आर द कॉम्पिटिटर एंड हाउ बिग आर दे, वो कितने बड़े हैं, मतलब मेरे मुकाबले वो ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते हैं। सेकंड, ये था पहला, अब आएगा सेकंड। सेकंड है अंडरस्टैंड द कंपटीशन। अब आप क्या करो, अंडरस्टैंड करो, मतलब उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है इनको समझो। आपने एक बार कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई कर दिया, अब आप क्या करो, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी एकत्रित करो। इसके लिए मार्केट रिसर्च करो, इंटरनेट देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सोशल मीडिया पे देखो, वेरियस अदर टाइप के सोर्सेज से इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करो और पता लगाओ उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे हैं कौन कौन कॉम्पिटिटर है और यहाँ पे हैं उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, पतंजलि जो है वो हनी देता है तो डाबर भी हनी देता है, पतंजलि च्यवनप्राश देता है तो डाबर भी देता है, हमदर्द भी देता है। तो आपको पता चलेगा मेरे जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये ऑफर करते हैं। अब तीसरा आता है डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है अब ये जान लो। अब पतंजलि के सामने अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो पतंजलि से पुराना है, HUL पुराना है, हमदर्द पुराना है, डाबर पुराना है। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है कि दे आर ओल्ड कंपनीज, ये इनके सामने ओल्ड कंपनीज है, लोगों का इन पे भरोसा है। तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, और हम उनके मुकाबले टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, उन जैसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, मार्केटिंग हमारी उन तक पहुंचने की कैसी है। अगर हम इन सब के बारे में प्रॉपर डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर मान के चलो कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को जानने में हमें देर नहीं लगने वाली है। तो ये कंपनियां पतंजलि के मुकाबले पुरानी हैं, पतंजलि से ज़्यादा बड़ा काम कर रही थी, अब पतंजलि उनसे बड़ा काम कर रही है, बात अलग है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ भी आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कंपनियां चाहे एलोपैथी की हों, आयुर्वेद की हों, आपस में एक दूसरे के कंपटीशन में, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ ये है कि आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट में इतनी बड़ी कंपनी पतंजलि जैसी कोई और दूसरी होने ना पाई जिसके पास वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ क्वेश्चन पूछोगे कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उनकी कॉम्पिटिटर की क्या है, आपके पास क्या प्राइस और कॉस्ट एडवांटेज है, उनके पास क्या है, वो आगे क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका क्या है, उनका क्या है, और इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ उनकी कैसी है कि लंबे समय तक उनके पास में ये लोग टिके रहेंगे या नहीं टिके रहेंगे। क्योंकि हम जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं हमें लंबे समय तक अपनी रिसोर्स की स्ट्रेंथ को बना के रखना होगा, तभी हम मार्केट में एडवांटेज की पोजीशन पे रहने वाले हैं। बात आई क्या सबको समझ में, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। तो हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में तीन स्टेप में समझने की कोशिश की है। पहला, आइडेंटिफाई द कस्टमर, हमारा कस्टमर कौन है। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, मतलब कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिशन, स्ट्रेंथ क्या है अगले की, जहां पे हमने कंपनी के बारे में सारी जानकारी जुटा ली। अब बात करते हैं अपन चौथे की, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। अब स्ट्रेटेजिस्ट को डिसीजन पे पहुंचने से पहले सारी जानकारी को इकट्ठा करना होता है और अपने यहाँ से उसके लिए एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ता है। नॉट ऑफरिंग व्हाट द फर्म कैन डू टू फिल द गैप, द स्ट्रेटेजिस्ट कैन ऑल्सो नो द एरियाज विच नीड टू बी स्ट्रेंथन बाय द फर्म। तो हमें जब सारी जानकारी मिल जाती है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ये पांचवा है। इसके अलावा एक चौथा और होता है, यहाँ स्ट्रेंथ की बात की है तो चौथे में अपन वीकनेस की भी बात करेंगे। डिटरमाइन द वीकनेस, डिफरेंट द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, उसकी वीकनेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें जैसे स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए वैसे उनकी वीकनेस पता होनी चाहिए। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इस लाइमलाइट में देखेंगे कि अब बताओ हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। अब सारी जानकारी को इकट्ठा रख के बताओ व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इंफॉर्मेशन। क्या ऐसी परिस्थिति में हम लाभ ले पाएंगे, प्रॉफिट ले पाएंगे? व्हाट इंप्रूवमेंट डज द फर्म नीड टू मेक, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम नंबर वन बने। हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर में जो कमी है उसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जवाब हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में 5 चीज़ों के स्टेप के तहत अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सब पता लगा लो। जैसे पेप्सी का कोक है, ये डायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट में ताजे फलों का ताजे फलों का रस वाला भी आता है, नींबू शिकंजी भी आती है, डिब्बा बंद पैक भी आया करता है, टेट्रा पैक जिनको अपन कहा करते हैं, ताजे फलों के रस भी आते हैं। तो ये सारे कॉम्पिटिटर हम पहचानेंगे। दूसरा, उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है ये भी जान लो, टर्नओवर क्या है ये भी जान लो। और उसके बाद तीसरा स्टेप आया करता है उनकी स्ट्रेंथ जानो, चौथा स्टेप आया करता है उनकी वीकनेस जानो, और इस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हुआ करती है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखो और देखो अब क्या इस परिस्थिति में हमें सामने जाना चाहिए और जानकारी देनी चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए, और हमें जानकारी को अपने पास रख के इसे बेटर करना चाहिए, और फिर जब एडवांटेज की स्थिति बने तब हमें भी मार्केट में उतरना चाहिए। बात आई क्या सबको समझ में? तो हम सबसे पहले देखेंगे इस इंफॉर्मेशन का बिजनेस क्या करें। दूसरा एडवांटेज इसमें यह होगा कि इंप्रूवमेंट कैसे करें, और तीसरा कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करें। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं की फैक्टर फॉर द कॉम्पिटिटिव सक्सेस, जिसको KSF कहते हैं, की सक्सेस फैक्टर के नाम से भी पुकारते हैं। हर इंडस्ट्री का अपना एक KSF होता है, हर इंडस्ट्री का अपना एक KSF होता है, की सक्सेस फैक्टर। ठीक है, These are those things that mostly affect the industry and members' ability to prosper in marketplace. The particular strategy element, attribute, resources, competence, intelligence, and business product outcome that spell the difference between profit and loss, and ultimately between competition surface or the failure. KSF आपको बचा लेगा ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि KSF क्या करता है, आपकी उस इंडस्ट्री में आपके दूसरे कॉम्पिटिटर से आपको अलग बना देता है। जैसे बत्रा सर अपने इस एजुकेशन इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस के बलबूते दूसरों से अलग है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलग है। बत्रा सर जो एग्जामिनर पेपर सेटर है वो उनको दूसरों से अलग बनाता है। बत्रा सर जो वर्चुअल टेस्ट लेते हैं और एक एक कॉपी चेक करके प्रेजेंटेशन स्किल सुधारते हैं वो बत्रा सर को दूसरों से अलग बनाता है। अब ये चीज़ें जो बत्रा सर के पास है कोई चाहते हुए भी कॉपी नहीं कर सकता। पहली बात तो 33-34 साल का एक्सपीरियंस को चुरा के तो आता नहीं है, या मार्केट से अपन कुछ पैसे देके खरीद लिया ऐसा आता नहीं है, उतना समय आपको इंडस्ट्री में बताना पड़ेगा। नंबर 2, एग्जामिनर पेपर सेटर बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी इंस्टीट्यूट अलाउ करेगी तब होगा, तो ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा, वर्चुअल टेस्ट लेने के लिए जिगरा चाहिए, समय लगाना पड़ता है। कई लोग तो केवल स्टूडेंट से अपने कोर्स को बेचने के लिए ही इकट्ठे होते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है आपने कोर्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपके समझ में आया नहीं आया, उनको कोई मतलब नहीं है आपके क्या दिक्कत है, वो कभी आपसे संपर्क ही नहीं साधते कि आप हमारे स्टूडेंट हैं क्या। लेकिन बत्रा सर की आदत है हर स्टूडेंट से वो संपर्क साधते हैं, बात करते हैं, पता लगते हैं, और इसके साथ साथ समय समय पर काउंसलिंग, मोटिवेशन और सब चीज़ें जारी रहा करती है। तो ये बत्रा सर की क्या है, की सक्सेस फैक्टर है। ये बत्रा सर की कुछ खासियत है जो बत्रा सर को दूसरों टीचर्स के मुकाबले इस सब्जेक्ट में अलग बनाया करती हैं। ये हमारा KSF है। इन द इंडस्ट्री मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू देम, की सक्सेस फैक्टर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री सक्सेस, और इन सबको इकट्ठा रखा जाए तो कंपनी इससे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है और कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल हो जाती है। बात आई क्या सबको समझ में? तो KSF क्या हो गया, बत्रा सर का एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके अलावा पेपर सेटर होना, एग्जामिनर, लाइफ एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट कंसल्टेंसी, ये बत्रा सर की KSF है। जो बत्रा सर को दूसरों से अलग करता है, वो चाहते हुए भी इनको कॉपी नहीं कर सकता और इसलिए बत्रा सर दूसरों से आगे सब्जेक्ट में। द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन हैव आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर। तो 3 सवाल हैं जो आपको पूछने हैं की सक्सेस फैक्टर इंडस्ट्री का जानने के लिए। पहला, ऑन वॉट बेसिस डू कस्टमर चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड ऑफ द सेलर। मतलब कौन से एट्रीब्यूट हैं जो सेल्स के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, ये दूसरा है। ये तो है पहला, ये है दूसरा। और तीसरा क्या है, व्हाट रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटी डज ए सेलर नीड टू हैव टू बी कॉम्पिटेटिवली सक्सेसफुल। क्या उसमें अलग होना चाहिए जो उसको अलग करे। तो पहला क्या है, पहला क्या है, ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर चूज द कंपीटिंग ब्रांड, क्या आधार है चुनने का। दूसरा, कौन से प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट है जो उसको दूसरों से अलग करता है। और तीसरा, कौन सी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैं जो केवल आपके पास हैं, बाकी सेलर्स के पास नहीं मिलेंगी। इसका आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, बनाया करते हैं इसके लिए एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक का फीचर जिसको अपन KSF के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर बत्रा सर को आप चुनेंगे तो एक्सपीरियंस के लिए चुनेंगे, बत्रा सर को आप चुनेंगे तो पेपर सेटर एग्जामिनर के लिए चुनेंगे, बत्रा सर को आप चुनेंगे तो लाइफ एक्सपीरियंस के लिए चुनेंगे, बत्रा सर को आप चुनेंगे तो चुनेंगे उनके नॉलेज के लिए, बत्रा सर को आप चुनेंगे तो सब्जेक्ट की कंसल्टेंसी वो देते हैं इसलिए चुनेंगे, है ना। इसलिए नहीं चुनेंगे कि बत्रा सर सबसे पॉपुलर है, इसलिए नहीं चुनेंगे कि बत्रा सर जो है वो दिखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए नहीं चुनेंगे कि बत्रा सर बहुत रिच है, इसलिए नहीं चुनेंगे कि बत्रा सर जो है इस सब्जेक्ट को जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग गानों के तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए चुनते हैं कि उसमें होता है कुछ KSF, की सक्सेस फैक्टर। व्हाट डज इट टेक फॉर द सेलर टू अचीव ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समथिंग जो दूसरे नहीं कर सके, तो उसके लिए KSF डेवलप करना पड़ता है। जैसे एपरल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में KSF आर द अपीलिंग डिजाइन्स एंड कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप कपड़ा बेचना चाहते हो तो डिजाइन अपीलिंग होनी चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन मन को भाए जैसा होना चाहिए, है ना। तन पे लगे तो मन को भाए, किसी को पहना हुआ हो तो अच्छा लगे, तन मन दोनों को भाना चाहिए। तो बायर का इंटरेस्ट जनरेट होगा, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएंगे। मिस डायग्नोसिंग द इंडस्ट्रीज फैक्टर क्रिटिकल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, इससे क्या हो जाता है, कंपनी की स्ट्रैटेजी को गलत डायरेक्शन में जाता है। तो अगर आपने KSF का चुनाव सही ढंग से किया तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, और अगर आपने गलत तरीके से हो जाए तो आपकी हो जाएगी थल्ले थल्ले। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको KSF का चुनाव बड़े समझदारी से करना पड़ेगा। मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। अगर मुझे मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो मोबाइल फ़ोन का की सक्सेस फैक्टर क्या है, उसके प्रोडक्ट फीचर्स, उसकी प्राइस, उसकी ब्रांड, है ना। यही देख के हम लेते हैं कि उसमें फीचर क्या क्या मिलते हैं जो दूसरा नहीं दे सकता। अच्छा, उसकी प्राइस मेरी जेब को भारी तो नहीं लगती, है ना, ये सब चीज़ें देख के। और अच्छा, उसकी ब्रांड क्या है, कोई मैं नया कंपनी को नहीं लूँगा, जो ऑलरेडी मार्केट में स्थापित है मैं उनको लेना पसंद करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपके KSF का निर्माण कर रही है। मैं लैपटॉप लेने गया तो मैंने क्या देखा, मुझे अच्छा प्रोसेसर मिलना चाहिए, उसमें अच्छी RAM होनी चाहिए, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, स्क्रीन टच स्क्रीन होनी चाहिए, साइज में बड़ी होनी चाहिए, वारंटी मुझे मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद ब्रांड का नाम आता है कि वो लिनोवा हो जाएगा या HP हो जाएगा, HCL हो जाएगा या कोई और हो जाएगा, IBM हो जाएगा, है ना। ये सब बातें बाद में, लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रोसेसर और इतनी बड़ी RAM तो इसमें आनी ही चाहिए। बात आई क्या समझ में। अगर मैं इसको गलत डायग्नोस कर देता हूँ और मैं दूसरी चीज़ों को KSF मान लेता हूँ जो KSF नहीं है, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी गलत बनेगी, आपके डिसीजन गलत होंगे, आपके रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे जैसा आप सोच रहे थे।